सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सब डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एम के चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री बीएस नर्सिंग एडमिशन 2024 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और जैसा कि आपको पता है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कितनी सीटें यहाँ पर रहने वाली है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप यहाँ से बीएस नर्सिंग करते हो तो आपको निःशुल्क बीएस नर्सिंग करने का मौका यहाँ पर मिलता है। इसी के साथ ही यहाँ पर आपका जो भी खर्चा रहता है वो सरकार वहन करती है, गवर्नमेंट वहन करती है। इसके अलावा यहाँ से आप जैसे ही बीएस नर्सिंग कोर्स करके निकलोगे तो आपके पास 100% गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में यहाँ से बीएस नर्सिंग करना। तो चलिए, फॉर्म आपको कब से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सीट के बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपके महाराष्ट्र में यहाँ पर 40 सीट रहने वाली है और वेस्ट बंगाल में आपके 30 सीट रहने वाली है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यहाँ पर मुंबई की बात करें तो आपके 40 सीट रहने वाली है, न्यू दिल्ली में 30, लखनऊ में आपके 40 और बेंगलोर में आपके 40। टोटल यहाँ पर 220 सीट रहने वाली है मिलिट्री बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया में। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑल इंडिया में 220 सीट है और यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो चार चरणों में, चार स्टेप में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। पहला तो नीट का एग्ज़ाम आपने दिया हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बी एस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है जो कि हाल ही में अब होने वाला है, जहाँ पर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल पेपर आपका 80 नंबर का होता है और यहाँ पर 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। वो तो तैयारी हम करवाए देंगे और वैसे भी नया बैच हमने स्टार्ट करवाए रखा है, अगर आपको तैयारी करनी है तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद तीसरा जो स्टेप है वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू यहाँ पर आपको देना होता है। जैसे आपका इंटरव्यू हो जाता है, फोर्थ स्टेप पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जी हाँ बिल्कुल, जिसमें आपका हेल्थ हाइट मेजर किया जाता है, आपका ब्लड ग्रुप देखा जाता है, आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं है, कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है, ये सब मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है। और इन चार स्टेप में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो फाइनली आपका मिलिट्री बीएस नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर देखो, प्रवेश के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी आईडी प्रूफ, और इसके अलावा आपके पास इम्पोर्टेंट है कि आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी आप मिलिट्री से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि यहाँ पर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका फुल नोटिफिकेशन है 2024 का, जिसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए पहला तो। और क्वालिफाई होने के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ही ज़्यादा नंबर होना चाहिए। क्वालिफाई का कट ऑफ मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एनटीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें साफ साफ आपको क्वालिफाई नंबर दिखा दिए थे, और एक बार यहाँ पर भी आप देख सकते हो, क्लियर। इसके बाद ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इस वेबसाइट से फॉर्म आपको भरना होगा। फिर यहाँ पर देखो, आप नेशनलिटी की बात करें नागरिकता की, तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के नागरिक होना ज़रूरी है, और आपका जो एज है वो कम से कम 17 साल यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें
तो यहाँ पर आपका साफ साफ मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है, और 12वीं में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50% होना चाहिए और आप रेगुलर विद्यार्थी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड में, यानी कि हेल्थ हाइट आपका यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है एरिया के हिसाब से। जैसा कि यहाँ पर आर्म पोर्ट्स की बात करें तो 152 सेंटीमीटर, ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो 147 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर हाइट दे रखा है। तो जैसा कि आपने देखा, इसके लिए बेसिक फिजिकल आपका एग्जामिनेशन होता है। अब काफ़ी सारे कमेंट हमारे पास आते हैं, सर क्या यहाँ पे बॉयज अप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर गर्ल्स कोई मौका यहाँ पर मिलता है? तो अगर हम देखेंगे नोटिफिकेशन में तो हमको दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल लड़कियों को यहाँ पर सरकार ने मौका दे रखा है, तो 2024 में भी सिर्फ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको कब से भरना होगा? देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्म आपके तब स्टार्ट होंगे जब ये नीट का जो मामला है ये क्लियर हो जाएगा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, क्योंकि इसके लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है और नीट का रिजल्ट ज़रूरी है। तो अभी नीट में आपने देखा होगा काफ़ी सारा स्कैम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्म अभी अटके हुए हैं, नहीं तो कब के आपके फॉर्म निकाल दिए जाते। अब जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो जाएगी, फाइनल डिसीजन आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके जस्ट बाद यहाँ पे फॉर्म निकाल दिए जाएंगे, और उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट तक फॉर्म निकल जाएंगे और आप फॉर्म भर पाओगे। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया है, तो जुलाई के लास्ट में जैसे ही मिलिट्री बीएस नर्सिंग के फॉरम लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, और बहुत ही जल्द यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आने वाला है, तो तैयार हो जाओ। अगर आप मिलिट्री से बीएस नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा MNS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। किस प्रकार से आपको पंजीकरण करना होगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना होगा, इन सभी की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तब आपके लिए स्पेशल वीडियो आने वाला है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जिन विद्यार्थियों को तैयारी करनी है तो MKS Academy ऐप डाउनलोड कर लेना, और ये कोर्स ज्वाइन करके आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। कोई समस्या आती है कोर्स ज्वाइन करने में, ऑनलाइन कोचिंग अगर आप लेना चाहते हो तो इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर देना, बहुत ही कम समय बचा हुआ है।